दूसरा सवाल ये है कि इंसान पर कई किस्म के हालात जिस ज़िंदगी में गुजरते हैं उससे ये किस तरह जांच लेना चाहिए कि आया ये इब्तला है या आजमाइश है या खुदा ताला की तरफ से सज़ा है, इसकी कुछ इलामात हैं जो इंसान को? अगर इंसान इब्तला में ज़ाया हो जाए तो वो फिर अजाब है उसके लिए, अगर पूरा उतर आए और साबित कदम रहे तो ठीक है, ये तो इब्तला के नतीजे से पता चलता है।